देखिए, यह स्ट्रिंग है, यह ब्लॉक है, इसका मास एम है। यह कैसा स्ट्रिंग है? मासलेस, मासलेस स्ट्रिंग है, इसका मास कंसीडर नहीं होता है, माना जाता है जीरो है। अब इस स्ट्रिंग यहां पे यह क्या है? लोड है या वेट है? लोड है। नीचे क्या है? अर्थ है। अर्थ है, अर्थ के वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा? क्या लगेगा? वेट फोर्स, ग्रेविटी एम जी। कोई डाउट? यह लोड के वजह से यह स्ट्रिंग का हर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। और यह मॉलिक्यूल्स कैसे, यह स्ट्रिंग कैसे बना होगा, ये भी बात देख लीजिए। मैं पहले बता चुका हूं, ऐसे छोटे 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 एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना होगा। अब हर मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगेगा ड्यू टू किसके वजह से? इस लोड के वजह से। किधर लगेगा? नीचे की तरफ। हर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। और इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? हर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? टेंशन। टेंशन क्या डेवलप होगा? टेंशन टेंशन डेवलप होगा। अगर यह स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन एट एवरी पॉइंट सेम होगा। इफ इफ स्ट्रिंग इज मासलेस देन टेंशन एट एवरी पॉइंट्स आर क्या होता है? सेम होता है। रे सुशील, सुशील, यस सुशील, सर। तू मार खाएगा मेरे से? नहीं सर, कितना बजे आता है रे? डेली कॉल करना पड़ता है। सर वो आज लेट हो गया है, सुबह, मीटिंग अरे दोपहर आईडी का क्लास किया था कि नहीं? 3 बजे का फोन नहीं था, वो मीटिंग आईडी मेरे पास नहीं था सर। मारेंगे एक थप्पड़। ग्रुप में आया नहीं तो तुम्हारे पास क्यों सॉरी नहीं है सर? ग्रुप में डाला गया तो क्यों नहीं है तुम्हारे पास? सर, वो लैपटॉप में अटेंड करता हूँ ना, तो मीटिंग आईडी मम्मी बाहर गई थी। सर अब तुमको मारेंगे और कुछ नहीं, सीरियस हो जाओ पढ़ाई से। यस सर। चलो, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस देन टेंशन एट एवरी पॉइंट्स क्या होगा? सेम होगा। समझ में आ रहा है क्या? हर मॉलिक्यूल्स क्या होगा? टेंशन में होगा। इसका मतलब यह होगा, क्या होगा कि इसके ऊपर लोड की वजह से, देखो यह एक टेंशन, यह टेंशन T1 ऊपर तो नीचे T2, और यह T1 इक्वल टू क्या आएगा? T2 आएगा। आपस में दोनों इक्वल टेंशन, T2 बल्कि मत बोलो T1 ही बोलो, ये आपस में टेंशन हमेशा हर पॉइंट पे। अगर यहां पे भी टेंशन लगेगा, अगर यहां पे भी टेंशन अगर लगता है डेवलप होता है, होगा ही, तो यह T2 ये भी T2, और यह T1 इक्वल टू क्या होगा? T2। क्यों होगा? क्योंकि यह मासलेस स्ट्रिंग है। और मैंने बोला मासलेस स्ट्रिंग में एट एवरी पॉइंट्स टेंशन आर, बोलना सेम सेम। चलो सेम रफ करूं, रफ करूं, किसी को लिखना है? यस सर। एक पॉइंट और बताया था कि अगर स्ट्रिंग चेंज होगा, अगर स्ट्रिंग चेंज होगा तो टेंशन भी चेंज होगा सर। तो टेंशन भी चेंज होगा। मासलेस स्ट्रिंग नहीं होगा तो कंडीशन अलग है, उसको बाद में पढ़ाऊंगा। चलिए बढ़े आगे, रफ कर रहा हूं। मैंने एक वर्ड और बोला था कि अगर स्ट्रिंग चेंज होगा तो टेंशन क्या होगा बेटा? चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स, होगा फॉर एग्जांपल्स देख लीजिए, यह स्ट्रिंग है, इसका मास M1 है, यह स्ट्रिंग है, इसका मास M2 है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो कैसे बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम, FBD जिसको कहते हैं। यहां से स्टार्ट करें क्योंकि इसके ऊपर कम फोर्स लग रहा है। इसके नीचे क्या लगेगा जल्दी बताइए, इसके नीचे क्या लगेगा जल्दी एमजी बताइए? एमजी वेट फोर्स M2G, एमजी M2G, इसका मास M2 है इसलिए M2G,
कोई डाउट? वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब यह क्या है, यह क्या स्ट्रिंग है, मान लो सेकेंड स्ट्रिंग है, इसके ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, क्या लगेगा, टेंशन। कुछ नहीं बोल रहा है तो माना ही जाता है क्या, क्या माना जाता है, मासलेस स्ट्रिंग। कुछ नहीं बोल रहा है तो मासलेस स्ट्रिंग है, इसका मतलब इसके अंदर टेंशन लगेगा। कैसे लगेगा, यह टी टू, क्योंकि यह सेकेंड स्ट्रिंग इसलिए टी टू ले लेता हूं, यह टी टू इक्वल एंड अपोजिट। किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। अब अगर हम ब्लॉक फर्स्ट के बारे में बात करें, अगर हम ब्लॉक फर्स्ट के बारे में बात करें तो इसका मास कितना है, एम वन, नीचे क्या लगेगा, M1G, जो वेट फोर्स की वजह से M1G। क्लियर। अब यह स्ट्रिंग कौन सा है, यह कौन क्या है, स्ट्रिंग है, कौन सा, सेकेंड फर्स्ट स्ट्रिंग है। कुछ नहीं बोल रहा था क्या है, मासलेस। क्लियर। अब इसके अंदर टेंशन डेवलप होगा, कैसा टेंशन होगा, इक्वल एंड, लेकिन क्या इसका टेंशन और इसका टेंशन सेम होगा, नो सर, नो। क्यों नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज है इसलिए टेंशन चेंज होगा। T1 यह T2 है, यह T2 है, यह M2G है, इसका लोड है M1G। जल्दी बना लीजिए, जल्दी करिए, फास्ट सर, ऊपर करो ना, हाँ कीजिए। जल्दी करिए, रब करूं? Yes, sir. Yes, sir. अगर यही क्वेश्चन तीन स्ट्रिंग दे दे तो, मान लो कि तीन स्ट्रिंग दे दे, then what we can write? क्या आप एबीडी बना सकते हो? सर ये बनाए थे हम, आपने होमवर्क में दिया था। अच्छा दिया था क्या, कितने बच्चे से बना है? बना सर मेरे से। अच्छा कैसे, कहां से स्टार्ट करेंगे, M3 से कि M1 से? M1 से, M1 से बेटर होगा, क्योंकि इसके ऊपर कम फोर्स लग रहा है। नीचे की तरफ क्या लगेगा, जल्दी बोलो, M1G। किसी बच्चे को दिक्कत यहां तक? नो सर। चलिए, यह स्ट्रिंग कौन सा है, मासलेस, थर्ड है, कुछ नहीं बोला तो मासलेस है। इसके अंदर क्या लगेगा, टेंशन, कैसा टेंशन होगा, इक्वल, इक्वल एंड अपोजिट। क्यों इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि मासलेस है। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। चलिए अब आइए M2 के बारे में बात करें। M2 पे यहां पे क्या दिया है, मास M2 दिया है, मास M2 दिया है। मास की वजह से क्या लगेगा, वेट फोर्स M2G। कोई दिक्कत? नो सर। और क्या लगेगा, और कुछ, स्ट्रिंग टू मासलेस, क्या होगा यहां पे, टेंशन T2। दिक्कत? और बोलिए, अगर हम M3 की बात करें तो यहां पे क्या होगा, मास, मास की वजह से क्या लगेगा, वेट फोर्स, वेट फोर्स कितना, M3G। इधर नीचे की तरफ, वर्टिकली, क्यों वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन ऊपर, या कौन सा स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वन, अच्छा वन है क्या,
इसमें क्या लगेगा? T1 उम्मीद कर रहा हूं एवीडी खींचना जरूर आ गया होगा। यस सर। लिख लीजिए। हो गया सर। चलिए अब आगे लिखिए न्यूटन्स लॉ। रफ कर रहा हूं। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिखिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है ये बताइए। बोलिए। Body continues to be in the rest of uniform motion along a straight line unless it is compelled an external force to change its state. Good, बहुत अच्छी बात। इसका मीनिंग क्या है? अगर sir, कोई हाँ बेटा सर, कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में हो और स्ट्रेट लाइन में हो या रेस्ट में हो, वो तब तक अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी आउटसाइड फोर्स अप्लाई ना। गुड, बहुत अच्छी बात। आप जैसे एक बात बताऊं, सुशील की बात करूं, सुशील क्लास नहीं आया था, दोपहर 3 बजे भी नहीं किया और 5 बजे भी नहीं कर रहा था, वह क्यों आया? 3 बजे किया था, 3 बजे का क्लास किया था। हाँ सर। 5 बजे नहीं किया, सुशील नहीं आया अप टू 5:06 तक। हमने क्या काम किया? तुरंत डायरेक्ट उसके पापा को फोन लगाया। मन में उसके पापा 2-4 बात बोले होंगे, तब मन में अरे पंडवा ये तो पीछे पड़ गया है, गाली देते हुए ऑनलाइन हुआ। सुशील पांडे सर को गाली देते हुए ऑनलाइन हुआ। व्हाट इज दिस? हमने क्या किया? उसको कंपेल किया। किस लिए बेटा? क्लास आने के लिए। उसकी मजबूरी बस वह क्लास आना पड़ा। बात समझ में आ रही है क्या मेरी बात? Yes, sir. मतलब अपना स्टेट चेंज तभी किया जब पांडे सर का फोन उसके पापा के पास गया। अगर फोन नहीं जाता क्या करता? क्लास नहीं आता। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर, बहुत अच्छे से। यस सर, बहुत अच्छे से। वाह, बहुत अच्छी बात। अगर मान लो कि कोई बॉडी है, कोई बॉडी जिस मान लो कि ये चेयर है, चेयर रखा हुआ है, तो चेयर अपनी पोजीशन पे तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगाकर उसको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक न ला दे। समझ में आ रहा है क्या? इसका मीनिंग ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो देता है इनर्सिया देता है। इनर्सिया का मतलब होता है कि बॉडी जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहने की इच्छा जाहिर करती है। समझ में आ रहा है क्या? और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्सिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। लिखिएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। लिखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यस सर। ईच बॉडी, ऐसे लिखो, एवरी बॉडी यस सर प्रिजर्व्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। Every body preserves in its state of rest or of uniform motion in a right line। हो गया? Unless It is compelled to change that state by forces impressed by forces impressed thereon
इम्प्रेस्ड डे अराउंड, मतलब yes, समझ में आ गया क्या कि अगर yes, किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तो वह बॉडी जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहने की इच्छा जाहिर करेगी, कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, उसको कहते न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। लिख लिए क्या? हाँ सर। आगे लिखे, नीचे लिखे पैराग्राफ चेंज करके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्सिया, डिफाइन इनर्सिया ऑफ द बॉडी। इनर्सिया का मतलब कि कोई बॉडी जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहने की इच्छा जाहिर कर, दिस इज द प्रॉपर्टी। इनर्सिया क्या है? ए प्रॉपर्टी किसका? बॉडी का। बॉडी का क्या है? प्रॉपर्टी है। अगर हम सोए हैं तो इच्छा करेगा जगने का? नहीं। सुबह सुबह इच्छा करता है जगने का? नहीं। क्यों नहीं करता है? सोम तो बहुत पहले बोला, अरे वाह क्या बात है, घबराओ मत, कल तुमको जगाते। तो सुबह जगने का इच्छा नहीं करता, इसका मतलब क्या? हम इनर्सिया का रूल हमारे ऊपर अप्लाई हो। आर यू गेटिंग? हां सर। यस यस। तो चलिए अब आगे लिखिए न्यूटन सेकेंड लॉ। सर। हाँ बेटा। सर न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है ना? हाँ, न्यूटन वही डिफाइंड करता। लिखिए न्यूटन सेकेंड लॉ। लिखिएगा न्यूटन सेकेंड लॉ। यस सर। बेटा रे सिंपल वर्ड में एक चीज बताओ कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? उस बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा, हाँ या ना? यस सर। मान लो कि मैं यहाँ पे बैठा हूं, या ये चेयर देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो इधर, देखो ये चेयर है, ऐसे है, इसके ऊपर फोर्स लगाया, क्या हुआ? ये बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ। मोमेंटम किसे कहते हैं? मोमेंटम किसे कहते, याद है? याद है? इक्वल टू एम इनटू वी। एम तो चेंज नहीं होगा, एम चेंज होगा क्या? नो सर। तो चेंज यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी। या वेलोसिटी किसके वजह से चेंज हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। किसके वजह से? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या है जो अभी अभी हमने पुश किया? तो इसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसका वेलोसिटी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इसका मतलब सेकेंड लॉ को हम क्या डिफाइन करेंगे कि यह फोर्स का डिफिनीशन देता है। किसका देता है? डिफिनीशन ऑफ फोर्स। क्या देता है? डिफिनीशन ऑफ फोर्स। याद होगा आपको बताए थे कि चेंज इन मोमेंटम को क्या कहते, याद है? सबसे पहला डिफिनीशन यही बताए थे फोर्स में, हाँ या ना? हाँ सर। यही बताए थे, याद है? हाँ सर। इसको हम क्या लिखेंगे, बताए थे क्या? Yes, और चेंज इन टाइम, क्या बताए थे? TF-TI मिस डेल्टा टी बताया गया था। यस सर। चल लिखे तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिखे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Is proportional to, is proportional to
The applied force and takes place in the direction in which the force acts. मतलब सिंपल वर्ड में कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, इसका मतलब यह तभी होगा जब उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अरे सिंपल वर्ड में एक वर्ड ध्यान दो, ग्राउंड में फुटबॉल रखा हुआ है, हेलो मैंने वर्ड क्या बोला, ग्राउंड में क्या है, फुटबॉल रखा हुआ है, क्या वह फुटबॉल अपने से मूव करना शुरू कर देगा? नहीं सर। कब तक नहीं अपने से मूव करेगा? जब तक कि हम अपने एक्सटर्नल फोर्स से किक ना करें। हाँ या ना? जैसे ही हम किक करेंगे वह फुटबॉल क्या करेगा, मूव करना शुरू। कैसे मूव करेगा बेटा? तो जब हमने किक किया होगा, वर्ड पे ध्यान दो, जब हमने किक किया होगा उस वक्त फुटबॉल का वेलोसिटी ज्यादा रहा होगा। आर यू गेटिंग? यस सर। और कुछ समय बाद, 10 सेकेंड बाद, 20 सेकेंड बाद, उस वक्त उस फुटबॉल का वेलोसिटी कम रहा होगा। हाँ या ना? यस सर। अरे बोलो ना, हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्या फुटबॉल का मास चेंज होगा? नो सर। नो सर। आप क्या देख रहे हो, टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फुटबॉल किसके साथ, चेंज इन टाइम। और यह घटना कब हुआ? जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी फुटबॉल के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, किक करेंगे, तो किकिंग फोर्स, वर्ड पे ध्यान दो, किकिंग फोर्स ऑन द फुटबॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, चेंज इन लिनियर मोमेंटम ऑफ फुटबॉल, चेंज इन लिनियर मोमेंटम ऑफ फुटबॉल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम। समझ में आया नहीं आया? और दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स सेकेंड लॉ। आर यू गेटिंग? या कोई और एग्जाम्पल दू? समझ एकदम क्लियर हुआ? यस सर। मैंने क्या बोला कि ग्राउंड में फुटबॉल रखा हुआ है, क्लियर? यस सर। फुटबॉल का मास कुछ होगा? यस सर। अब फुटबॉल अपने से मूव करना शुरू करेगा, ऐसा पॉसिबल है? नो सर। उसके लिए मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अप्लाई फोर्स करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ या ना? जिस वक्त हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा उस समय फुटबॉल का वेलोसिटी क्या रहा होगा? हाई। 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 10 सेकेंड 20 सेकेंड बाद फुटबॉल का वेलोसिटी क्या रहा होगा? कंपैरेटिवली लो। क्लियर हो रहा है सबको? यस। क्या फुटबॉल का मास चेंज हो रहा होगा? नो सर। नो सर। इसका मतलब कि उस फुटबॉल का क्या चेंज होगा? लीनियर मोमेंटम। क्या चेंज होगा? लीनियर मोमेंटम में क्या होता है? मास एंड वेलोसिटी। मास तो चेंज नहीं होता है, तो फिर चेंज क्या होता है? वेलोसिटी। समझ में आया क्या? यस सर। इसका मतलब कि फुटबॉल का मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम विल बी चेंज्ड ड्यू टू किकिंग द एक्सटर्नल फोर्स। इन शॉर्ट हम बोलेंगे कि हमने जो किक किया, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया किसके ऊपर, फुटबॉल के ऊपर, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ फुटबॉल विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। क्या सभी बच्चे को क्लियर हुआ या नहीं, ये बताओ? क्लियर हुआ सर। Okay, सभी बच्चे क्लियर है? दिग्विजय, मोहित, सुशील? यस सर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर।
अरे दिग्विजय क्लियर बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। यस मोहित, 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 यस सर, क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर, गुड। सौरभ, यस सर, क्लियर हुआ? यस सर। सुशील, सुशील, यस सर, क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर, क्लियर है। गुड, लिख लो आप डिफिनीशन, लिख लिए हो? यस सर। अच्छा, यस सर, हो गया। लिख लो, लिख लो, इसको लिख लो, ऊपर करो। हो गया सर। ये गाना कहां से सुनाई दे रहा है भाई? सताक्षी, यस सर, छठ का गाना आपके तरफ लगाए क्या? यस सर, दादी लगाई है। अच्छा, चलिए बढ़े आगे। यस सर, चलिए। इसका मतलब हमने क्या सीखा, रफ करूं ना बेटा? देख, नीट एंड क्लीन समझते चलो। पापा से नहीं हूं, कॉपी नंबर। चलो, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, क्या बोले बेटा? एफ एक्सटर्नल मतलब फोर्स इक्वल टू, आपने क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। इसको हम मैथमेटिकली लिखे तो कैसे लिखेंगे? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू माइनस पी वन अपॉन पी टू माइनस टी टू माइनस टी वन। कैसे लिखेंगे? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे बेटा? यस सर, हाँ सर। डेल्टा पी को क्या, इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या करते हैं? कांस्टेंट, क्या करते हैं? कांस्टेंट टर्म लगाते हैं। हाँ, क्या जाएगा? के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। हो गया? यस सर। अब आगे बढ़ रहा हूं, दो मिनट। हाँ, लिख लीजिए। हो गया सर। चलो, अब आगे देखिए। बेटा रे, आपने बोला एफ इक्वल टू के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, के आप क्या इसको लिख सकते हो? डेल्टा पी को एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हो? लीनियर मोमेंटम एम इंटू वी होता है ना? यस सर। इसको क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। इसका मतलब एफ इक्वल टू के एम ए आ गया। अब देखिए, एफ एम इक्वल टू वन के जी, मास एक के जी लिए, फोर्स एक न्यूटन अप्लाई किए, देन उसके ऊपर एक्सेलरेशन जो डेवलप होगा वह कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा।
बात समझे क्या? एक केजी के किसी ब्लॉक के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो उस ब्लॉक में कितना एक्सेलरेशन डेवलप होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन के का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन इक्वल टू के, एम का वैल्यू 1 केजी, एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया बेटा के का वैल्यू, जल्दी बता दो। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 × 1 kg m/s² या कैंसिल हो जाएगा, के का वैल्यू कितना आ गया? 1। के का वैल्यू कितना आ गया? 1। हो गया सर, सभी बच्चे लिख लिए? एक मिनट। हाँ बेटा, समझते हुए लिखना प्लीज, समझते हुए लिखना, ऊपर करो ना सर। हाँ बेटा, हाँ बेटा, रिजल्ट्स देखा तू लोग मेरा? यस सर। एनडीए का? Yes, yes. बस एक दिन यही चाहिए कि आप लोग का भी रिजल्ट आए। और एक बात और बता रहा हूँ, अभी एग्जाम नहीं हुआ, एक बच्चा और एक बच्ची का नीट 2021 में रिजल्ट देंगे, वो भी अच्छा रैंक के साथ। उम्मीद कर रहा हूँ कि 600 से ऊपर मार्क्स आएगा उस बच्ची का। वह उसका भाई इसी में होगा शायद, है क्या रे? नीचे की जीन सर। हाँ जरूर। अच्छा है। हाँ, पौरवी बच्ची है और एक बच्चा है मेरा, दोनों का नीट में मोर देन 600 मार्क्स आना चाहिए। हो गया सर। देयरफॉर एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 × m × a। देयरफॉर F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लिख लो जल्दी, जल्दी लिख। टाइम अप। हो गया सर। सर। हाँ बेटा बोलो, दिग्विजय बोलो। KVPY एग्जाम क्या है? किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना 11th के लिए है। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना फॉर्म भरना। हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। KVPY और NTSC, जो बच्चे 10th क्लास में उनके लिए NTSC दोनों निकल गया है। KVPY और NTSC दोनों फॉर्म निकला हुआ है।